नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और हम आज आपके सामने लेके आ गए हैं हीरो की सुपर स्प्लेंडर और बजाज की पल्सर 125। दोनों 125 सीसी की बाइक है, तो आज चलिए इन दोनों का दंगल कराते हैं और देखते हैं कि ये कंपैरिजन में कौन सी बाइक बेहतर होती है और कौन सी बाइक किसके लिए बेहतर होती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हम लोग एक एक पॉइंट को कवर करेंगे और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे दोनों बाइक में क्या डिफरेंस है, क्या पावर दोनों प्रोवाइड करती हैं, दोनों का ब्रेकिंग कैसी है, सब कुछ मैं बताऊंगा। क्योंकि अगर आप इसका मतलब कि लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि दोनों बाइक में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं की के साथ में। ये है सुपर स्प्लेंडर की जैसा कि हीरो की सारी बाइक में 125 सीसी की हीरो की सारी बाइक में जैसे की आती है वैसे ही की इसमें भी है। और ये है बजाज पल्सर 125 की। पल्सर 150 और 125 में सेम इसी टाइप की कुछ की आती है और डिस्कवर में भी सेम इसी टाइप की आती है। फिर बढ़ते हैं दोनों के फ्रंट लुक की तरफ। तो फ्रंट लुक में हम लोग शुरुआत कर लेते हैं बजाज पल्सर से। ये बाइक थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, पुरानी ज़्यादा नहीं हुई है, चली ज़्यादा है, इस वजह से कुछ कुछ इसमें हल्का फुल्का जैसे कि यहाँ पे लोगो था वो निकल चुका है। और अगर बात करते हैं यहाँ की, तो इस जगह पे आपको हैलोजन हेडलैम्प मिलेगा, बट इसमें नाइट आई इंस्टॉल करवाई गई है जिसका कि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा। अगर आप उसका वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि उसको कैसे इंस्टॉल कराया गया और कैसा उसका परफॉर्मेंस है। बट अगर इसमें जो स्टॉक बल्ब की बात करें तो स्टॉक में इसमें आपको हैलोजन बल्ब आपको ऑफर हो जाता था। और उस साइड में अगर बात करते हैं सुपर स्प्लेंडर की, तो सुपर स्प्लेंडर के ऊपर के साइड में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्रोम की फिनिश मिल जाती है, हल्का सा स्क्रैच देख रहे हैं, ये मनीष पांडे जी की देन है, कुत्ते को बचाने के चक्कर में गिर गए थे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें भी आपको हैलोजन बल्ब मिलता है। और दोनों के अगर थ्रो की बात करते हैं नाइट टाइम में, तो मुझे पर्सनली अगर बोला जाए तो दोनों का थ्रो बराबर सा ही लगता था, बट पल्सर का जो डिज़ाइन है उसकी वजह से इसका जो थ्रो कुछ दूर तक जाता है, उसका थ्रो पास तक रहता है। बट अगर विजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपको सिमिलर सी विजिबिलिटी मिलती है। और हम बात कर लेते हैं फ्रंट लुक में, तो फ्रंट लुक में दोनों में कुछ खासा चेंज नहीं किया गया। इसमें आपको वाइज़र मिल जाता है, उसमें भी आपको वाइज़र मिल जाता है। ये थोड़ी सी स्पोर्टी सेगमेंट की बाइक है, वो कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है, बट दोनों 125 सीसी की बाइक हैं। और प्राइस डिफरेंस की बात करें तो ये अभी आपके सामने ये ड्रम वेरिएंट है। अगर इसके डिस्क वेरिएंट और इसके डिस्क वेरिएंट दोनों की बात कर लें, तो आपको जो पल्सर 125 है वो 5 से 7 हज़ार रुपये महंगी आपको मिलेगी। और ड्रम वेरिएंट की दोनों बाइक बात करें तो उतना ही कुछ डिफरेंस आपको रहना पड़ेगा आएगा। आप अपने नियरेस्ट शोरूम में जाके पता लगा सकते हैं कि क्या प्राइस है। कुछ इसी टाइप का डिफरेंस दोनों में रहने वाला है, कहीं ना कहीं पल्सर यहाँ सुपर स्प्लेंडर थोड़ी सी आपको महंगी ही पड़ेगी। तो जब ये महंगी पड़ेगी तो इसमें कुछ खासियत होगी तभी ये महंगी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो आप लास्ट तक बने रहिएगा और हम बताएंगे कि क्या क्या खासियत है। टायर साइज की बात करें तो जब इसमें आपको सुपर स्प्लेंडर में 18 इंच का टायर मिलता है, और इस साइड अगर हम पल्सर की बात करें तो इसमें आपको 17 इंच का टायर मिलता है। तो सेक्शन दोनों का सेम है, बट इसमें आपको 17 इंच का टायर मिलता है। और वहीं बात कर लेते हैं अगर हम सुपर स्प्लेंडर की, तो उसमें आपको 18 इंच का टायर मिल जाता है। और डिस्क की बात करें तो दोनों में आपको डिस्क ऑफ़र हो जाता है, बट वो डिस्क वेरिएंट नहीं है। और फ्रंट में अगर बात करें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर हो जाता है, साइड रिफ्लेक्टर दोनों में दिया गया है। और 20 इंच नॉर्म के अकॉर्डिंग साइड रिफ्लेक्टर देना मैंडेटरी कर दिया है। और अलॉय व्हील की बात करें दोनों में आपको ब्लैक अलॉय व्हील मिल जाएगा, बट इस जगह पर आपको थोड़ी सी स्टिकरिंग मिल जाएगी नियॉन कलर की, जो भी आपको मतलब कि कलरों का बाइक है, जैसे कि ये ब्लू कलर की है। ब्लू क्या है, जो ये ब्लैक रहता है उस पर जो ये थोड़ी बहुत स्टिकरिंग की गई है, इसका ही कलर चेंज रहता है इस बाइक में, और बाकी सब ये ग्रेइश फिनिश में रहता है। और हम बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की, साइड प्रोफाइल में जैसे पल्सर पहले दिखती थी अभी भी वैसे ही दिखती है, हल्का फुल्का ग्राफिक में चेंज किया जाता है थोड़ा बहुत डिज़ाइन में, जो कि अब की पल्सर 125 आ रही है उसमें इंजन कॉइल दे दिया गया है और इस जगह पे थोड़ा सा लेज़र टाइप डिज़ाइन दे दिया गया है। और बाकी सब कुछ यही का यही सेम है, कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं अभी जो बाइक आ रही है उसमें भी। और हम बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो इसका इंजन स्पेसिफिकेशन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, और साथ में बगल में ही आपको जो आपकी सुपर स्प्लेंडर है उसका इंजन स्पेसिफिकेशन भी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसमें भी जो साइड आपको प्रोफाइल मिलती है काफ़ी आपको नॉर्मल से डिसेंट से साइड प्रोफाइल मिलती है, एकदम नीट एंड क्लीन साइड प्रोफाइल मिल जाती है, वो आपको कम्यूटर बाइक वाला फील दिलाती है, क्योंकि वो प्रॉपर एक कम्यूटर बाइक है। और ये आपको कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट बाइक और कम्यूटर बाइक दोनों का फील दिला देती है। आप ये इसको दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट वो एक प्रॉपर कम्यूटर बाइक है और ये स्पोर्ट बाइक है, तो उसका थोड़ा बहुत उस टाइप का नेचर भी है। टॉप एंड की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा टॉप एंड मिल जाता है, बट उसका इनिशियल काफ़ी अच्छा है क्योंकि उसका वेट कम है, इस वजह से उसका जो इनिशियल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको हो जाता है। और ब्रेकिंग की बात करें तो जो इसके ब्रेकिंग की बात करने से पहले मैं इसके टायर साइज की बात कर लेता हूँ। जो रियर साइड में इसका टायर साइज आता है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 17 इंच का इसमें आपको टायर मिलता है पल्सर 125 में। और हम बात कर लेते हैं, वन न्यूट्रल कर लेते हैं उसका,
तो इसमें आपको 90, 80, 18 इंच का इसमें टायर मिल जाएगा। इसका जो सेक्शन है वो थोड़ा सा कम है और इसका जो ज़्यादा है, आप दूर से देखेंगे तो आप आराम से देख पाएंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। उसका टायर आपको थोड़ा सा वाइडर मिल जाता है और इसका टायर उसकी जगह पर थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा पतला नज़र आता है। इसकी वजह से जो उसकी ब्रेकिंग है और हाई स्पीड पे जो स्टेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है पल्सर की। बस इनिशियल पिकअप की बात करें तो आपको सुपर स्प्लेंडर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशियल पिकअप मिलने वाला है, और जब बात करते हैं पल्सर 125 में, उसमें इनिशियली आपको थोड़ा सा पावर लैग महसूस होगा, बट अगर बात करते हैं जब वो एक बार स्पीड गेन कर लेती है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको उसमें कॉन्फिडेंस मिल जाता है, ब्रेकिंग मिल जाती है, और एक जो प्रॉपर बाकी सारी पल्सर्स आती थी पहले से वो वाला फील कहीं ना कहीं वो दिला देती है। और रियर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो साइड इंडिकेटर इसमें भी आपको हैलोजन मिल जाता है, उसमें भी आपको हैलोजन मिल जाता है। बट टेल लाइट की बात करें तो टेल लाइट आपको जो सुपर स्प्लेंडर है उसमें हैलोजन मिलती है, और पल्सर में आपको जो पल्सर की LED हेडलाइट अरे टेल लाइट आती थी वो आपको मिल जाती है। रिफ्लेक्टर्स इस जगह पर मिल जाते हैं, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट कुछ यहाँ पर आपको मिल जाती है, दोनों में आपको चेन कवर मिल जाते हैं। वो स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है तब भी उसमें आपको चेन कवर मिलता है, बट अगर बात करें यहाँ पे आपको फाइबर का चेन कवर मिलता है, और जबकि पल्सर 125 में बात करें तो यहाँ पे आपको प्रॉपर मेटल का चेन कवर ऑफर हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ दी गई, कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। बट इसी सब चीज़ों की वजह से इसका वेट थोड़ा सा बढ़ गया है, और 125cc के अकॉर्डिंग इसका वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जहाँ की ये जो कि सुपर स्प्लेंडर है 118 से 123 के आसपास इसका वेट है, और जबकि अगर बात करें पल्सर का तो 144 kg इसका वेट है। इसकी वजह से वेट काफ़ी ज़्यादा उसमें है, इसकी वजह से उसका माइलेज काफ़ी ज़्यादा कम आपको मिलता है, जबकि आपकी जो सुपर स्प्लेंडर है ये आपको 50-55 का माइलेज दे देती है, अगर आप उसको और प्यार से चलाएंगे तो 61 का माइलेज भी दे देती है, और हाईवे पर अगर हाई स्पीड आप उसको राइड करते हैं तो 40-45 का माइलेज ये निकाल के दे देगी। और वहीं अगर बात करते हैं पल्सर 125 की, तो पल्सर 125 माइलेज के मामले में काफ़ी ज़्यादा मुझे एकदम पसंद नहीं है, क्योंकि इसका माइलेज काफ़ी ज़्यादा कम है। जबकि हम लोग इस बाइक को जब लिए थे ये सोच के लिए थे कि 125 सेगमेंट की बाइक है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माइलेज देगी, बट माइलेज अगर कहीं ना कहीं देखें तो जो पल्सर 150 आती है उसके बराबर ही इसका माइलेज है, और हाई स्पीड पे तो उससे भी कम इसका माइलेज हो जाता है। एक मैंने माइलेज टेस्ट किया था पीलियन के साथ में, उसमें ये हाई स्पीड पे 22 का माइलेज दी थी, मुझे अभी तक ये समझ में आता है वो क्यों दी थी, बट मेरा वेट है वो 75 के आसपास है, जो पीलियन बैठा था उसका वेट भी कुछ 75 के आसपास ही था, और एक बैग भी था छोटा था, इसकी वजह से थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो गया था मे बी इस वजह से। बट अगर मैं सिंगल भी राइड करता हाई स्पीड पर तो ये 32 तक का ही माइलेज निकाल के देती है। उसका भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं बता दूंगा। और नॉर्मल अगर आप इसको सिटी में राइड करते हैं और थोड़ा बहुत मिक्स हाईवे राइड करते हैं तो ये 45-70 का माइलेज दे देती है, और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म ही आपको ठीक है, बट मुझे बस इसके माइलेज की वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है। और सिटी में जो इसका इनिशियल पिकअप है ना वो मुझे थोड़ा सा डल टाइप का लगता है, बाकी जो 125cc की अकॉर्डिंग बात करें, क्योंकि बाकी जो थोड़ा सा आपको अच्छा पंच मिल जाता है इसमें स्टार्टिंग में वो पंच आपको ऑफर नहीं हो जाता, बट जब हाईवे पर आप ये एक बार स्पीड गेन कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको इसमें कॉन्फिडेंस मिलता है। और जबकि उसकी बात करें तो वो सिटी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको पंच मिल जाता है, उसमें अच्छा खासा पावर मिल जाता है। हाईवे पर आपको पावर मिलता है बट वो स्टेबिलिटी जो पल्सर में मिलती है वो इसमें आपको मिसिंग है, और जो ब्रेकिंग है आपको पल्सर मिलती है वो इसमें आपको नहीं मिल जाती है। तो कंक्लूज़न की अगर बात कर ले तो राइड टेस्ट में इस दोनों बाइक का अगर आप देखना चाहते हैं, उन दोनों का वीडियो मैं बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा दोनों वीडियो का, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं ओवरऑल बात करता हूँ तो अगर आप सिटी राइड करते हैं और आप एक मतलब कि ऐसी बाइक चाहते हैं कि जो अच्छा खासा माइलेज दे दे, आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, कम इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम आए, तो आप सुपर स्प्लेंडर के साथ जा सकते हैं। और आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा चाहते हैं कि आप पावर भी मिल जाए थोड़ी बहुत, और हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी भी मिल जाए, ब्रेकिंग अच्छी हो, थोड़ा बहुत स्पोर्टी लुक मिल जाए, तो आप इस पर जा सकते हैं। एक चीज़ मैं और दिखाने की बात कर लूँगा, तो और हम बात करते हैं अगर इसके सीटिंग पोजीशन की, तो ये आपको बिल्कुल कंप्यूटर वाला जो सीटिंग पोजीशन है वो आपको इसमें मिलता है, पैर जो आपका एकदम स्ट्रेट रहता है, आप एकदम अपराइट पोजीशन में बैठते हैं। और अब वहीं हम बात कर लेते हैं इसकी, तो इसमें जो आपको सीटिंग पोजीशन मिलता है थोड़ा सा स्पोर्टी टाइप का मिलता है, आपको पैर थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ बेंड रहता है, और जो आप थोड़ा सा लीन होकर इसमें राइड करते हैं तो एरोडायनेमिक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, थोड़ा स्पोर्टी फील आपको आता है। इसके हैंडल में वेट भी है, इसकी वजह से जो इसकी स्टेबिलिटी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और आप आ जाए इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो पल्सर में आपको एक
डिजिटल और एनालॉग दोनों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। इस जगह पे आप उसका टैकोमीटर मिल जाता है और स्पीड इस जगह पे शो होती है। ट्रिप दो ट्रिप आपको इसमें मिल जाती है। फ्यूल गेज यहाँ पे आपको मिल जाता है। इंडिकेटर न्यूट्रल हाई बीम और इंजन चेक लाइट यहाँ पे आपको मिल जाती है। बट एक चीज़ आपको इसमें अच्छी नहीं लगेगी, जब ये बाइक स्टार्ट होती है आप इसका एक्सेलेरेटर रेव करते हैं, एक्सेलेरेटर लेके आप छोड़ दिए तब इसका जो टैकोमीटर है वो रिस्पॉन्स करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कछुआ टैकोमीटर है। आप इसका मतलब रहने का कोई मतलब नहीं है। आप जब हाई स्पीड पे रहते हैं, आप एक स्पीड पे पहुंच जाते हैं, क्रूजिंग करते हैं तभी आपको उसमें एक्यूरेट शो होता है। बट अगर आप नॉर्मल सिटी में राइड करते हो उसका टैकोमीटर देखना चाहते हो तो कोई इसका मतलब नहीं है, तुरंत कोई रिस्पॉन्स ये करता नहीं है। और पल्सर मुझे एक चीज़ और अच्छा लगता है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी इसके साइंस हैं वो इल्यूमिनेटेड है, रात के टाइम में उसमें लाइट जलती रहती है। और जो क्वालिटी की बात करें तो पल्सर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको क्वालिटी मिल जाती है। फ्यूल की क्वालिटी की बात करें वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको मिल जाती है। क्वालिटी से रिलेटेड इसमें आपको कोई कॉस्ट कटिंग कहीं भी नहीं की गई है। और वहीं बढ़ते हैं आपको सुपर स्प्लेंडर की तरफ। तो सुपर स्प्लेंडर में आपको फुल एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा फीचर आपको नहीं मिलते हैं और यहाँ तक इसमें ट्रिप मीटर भी नहीं मिलता है। जबकि अगर हीरो की बात करें तो सबसे पहले हीरो सुपर स्प्लेंडर ही ऐसी बाइक थी जिसमें ट्रिप मीटर आता था जब ये लॉन्च हुई थी। अब वो ट्रिप मीटर हटा दिया गया है। यहाँ पे हीरो का आपको लोगो मिल जाता है, डिसेंट आपको डिज़ाइन मिल जाता है। पर्सनली बोले तो उतना पसंद नहीं आता, थोड़ा बहुत यहाँ पे डिजिटल दे देना चाहिए था। अगर आप बस हीरो की ही बाइक चाहते हैं, उसमें चाहते हैं आपको थोड़ी सी स्पोर्टी बाइक मिले 125 सीसी की में, तो आप ग्लैमर एसटेक की तरफ जा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अट्रैक्टिव है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आती है। आप चाहते हैं उस पर वीडियो बनाएं तो कमेंट में आप बता सकते हैं। और स्विचेस की बात करें तो नॉर्मल जैसा हीरो में आपको स्विचेस आते तो वैसे ही मिलते हैं, कुछ खास चेंजेस नहीं है। हम रियर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको गैस चार रियर सस्पेंशन मिल जाता है और इसमें आपको नॉर्मल सा जो हाइड्रोलिक वाला रियर सस्पेंशन आता है वही आपको मिलता है। सस्पेंशन की क्वालिटी की बात करें पल्सर 125 में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी सस्पेंशन क्वालिटी मिल जाती है और सुपर स्प्लेंडर में आपको डिसेंट सी क्वालिटी मिल जाती है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप इसका राइड टेस्ट दोनों बाइक का देखना चाहते हैं तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में अपने डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। प्रॉपर राइड टेस्ट मैं उसमें किया हूँ, प्रॉपर रिव्यू दोनों बाइक का अलग अलग किया हूँ, वो वीडियो जरूर देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको वीडियो लगने वाली है। एक एक इन्फॉर्मेशन उसमें डाला हूँ जो इसमें अगर मुझसे छूट गई होगी तो उस वीडियो में एक भी इन्फॉर्मेशन मुझसे नहीं छूटी है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और गाड़ी किसी और रास्ते पे। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहने, हेलमेट पहने, धन्यवाद।